हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का beingpriyanka.com में। मैं हूँ प्रियंका। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे आम का इंस्टेंट अचार, जिसको ना सुखाने का झंझट रहेगा और फटाक से आप उसको तैयार करके तुरंत ही खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अचार का जो मसाला है उसको तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिएगा, मैंने एक कढ़ाई ली हुई है और इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे ये 2 चम्मच भर के मैंने सौंफ लिया हुआ है, इसको आधा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया हुआ है इसको, और आधा ही चम्मच मैंने जीरा लिया हुआ है इसको भी, और आधा ही चम्मच खड़ी काली मिर्च इसको भी डाल के, और बस हम मीडियम फ्लेम पे इसको मुश्किल से मुश्किल आधे मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। क्योंकि हमें मसाले बस थोड़े से ना कुरकुरे चाहिए, ऐसा नहीं है कि इनको हमें बहुत ज़्यादा भूनना है। तो मुश्किल से मुश्किल इसको आधे घंटे के लिए हम गर्म कर लेंगे। तो बस आधा मिनट हो गया, मसाले हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। बस अभी समय पे फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और इसको अब हम पूरी तरीके से ठंडा हो जाने देंगे। और इसका एक दरदरा हमें पाउडर पीस लेना है, एकदम से फाइन पाउडर नहीं चाहिए है, दरदरा इस मसाले को हम पीस लेंगे। तो ये देखिएगा, मसाला ठंडा हो गया था और मैंने इसको पीस लिया है। ये देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा मैंने दरदरा पीसा हुआ है। हमें भी ऐसा पीसना ही है क्योंकि अचार में मसाला थोड़ा दरदरा ही अच्छा लगता है, टेस्ट बढ़ा देता है। और यहाँ ये देखिएगा, मैंने 2 बड़े साइज़ के आम लिए हुए हैं और इनको मैंने धुल के अच्छे से पोंछ लिया था। ये देखिए, बिल्कुल सूखे कर लिए हैं हमने, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और अब इसके जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसको हम हटा देंगे और आम को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। क्योंकि हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो हमको जो आम के पीसेज हैं वो बहुत छोटे छोटे चाहिए रहेंगे और हम छिलके सहित ही काटेंगे। तो ये देखिएगा, मैं इस साइज़ में काट रही हूँ आम को। आप चाहें तो इनको लंबा लंबा भी काट सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा शेप पसंद है। सारे आम को हम इसी तरीके से काट लेंगे। तो ये देखिएगा, सारे जो आम हैं वो हमने काट के तैयार कर लिए हैं और अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ ये देखिएगा, मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ है, इसको इसमें डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया हुआ है, इसको भी इसमें डाल देंगे। इससे अचार में हमारे कलर बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ मैंने 2 चम्मच भर के सादा नमक लिया हुआ है, इसको भी इसमें डाल देंगे। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, उसी से ही टेस्ट आता है। और बस अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिएगा, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है सारे मसाले को, और बस इसको हम साइड से रख देंगे। और ये देखिएगा, मैंने लहसुन लिए हुए हैं 18 से 20 कलियां हैं, इसको हम खल्लड़ में डाल के कूट लेंगे। ना तो इसको हमें काटना है और ना ही एकदम बारीक से इसको पीसना है। तो ये देखिएगा, लहसुन को मैंने कूट लिया है और इसको भी हम अलग रख देंगे। और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में। लहसुन अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप लहसुन को इस अचार की रेसिपी में स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा, मैंने एक कढ़ाई ली हुई है और इसमें मैंने 1/2 कप सरसों का तेल लिया हुआ है। अचार जो है वो सरसों के तेल पे ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और अगर आप सरसों का तेल नहीं लेना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि ये कोई भी रिफाइंड ऑयल या जो भी आप पसंद करते हो वो ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। तो अब हम फुल फ्लेम पे तेल को काफ़ी अच्छे से धुआं आने तक गर्म हो जाने देंगे। तो ये देखिएगा, तेल आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से धुआं उठने लगा है। इस समय पे इसको हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और 1 मिनट के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर हम तेल का कम होने देंगे। तो ये देखिएगा, करीब करीब 2 मिनट हो गए हैं, तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है। मेनली बस हमें तेल का जो कच्चापन था उसको दूर करना था। गैस अभी भी ऑफ है। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे राई। तो यहाँ ये देखिएगा, मैं 1/2 चम्मच राई ले रही हूँ। आप चाहे मोटी वाली हो या पतली वाली हो, कोई सी भी राई ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें डाल देंगे कलौंजी, ये भी मैं 1/2 चम्मच ले रही हूँ। और इसमें डाल देंगे ये सूखी हुई लाल मिर्च, ये मैंने 3 मिर्चें थी जिनको कि 3-3 पार्ट्स में काट लिया था।
और इसी के साथ डाल देंगे इसमें हींग। हींग भी मैंने आधा चम्मच ली हुई है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और साथ में इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने लहसुन लिया हुआ था कुटा हुआ, इसको। और बस अब इसको हम फ्लेम बंद ही रखते हुए ऐसे ही हल्का सा भुन जाने देंगे, क्योंकि तेल का टेम्परेचर अभी भी ज़्यादा है। बस जो ये लहसुन है इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि फ्लेम ऑफ है, लेकिन फिर भी मसाले अच्छे से भुन रहे हैं। तो बस हमको क्या करना है कि जो लहसुन का कच्चापन है बस वो दूर हो जाए, हल्का सा ब्राउन करना है। तो ये देखिएगा लहसुन का देखिए कच्चापन भी दूर हो गया है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए ये जला नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर हो गया है। तो बस अब इसको हम तेल को जो हमने आम में मसाले मिला के रखे हुए थे उसी में डाल देंगे। और बस अब इसी में हम ये वाला जो मसाला हमने शुरुआत में जो दरदरा मसाला पीस के रखा हुआ था इसको भी इसमें डाल देंगे। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिएगा मिक्स कर लिया हमने और हमारा आम का इंस्टेंट अचार तैयार है। आप इसको फ्रिज में रख के 3 महीने तक यूज कर सकते हैं और बाहर रख के 15 से 20 दिन तक यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।